कहा महामारी करने के आइए महारानी कुंती, तुम्हारा करण के शिविर में स्वागत है। आ गई, तुझसे एक बात बताने आई हूं। क्या? कि मेरे लाल, आज तक जो मैंने भेद छुपा के रखा था वो तेरे सामने कहने जा रही हूं। क्या भेद है महारानी, बताइए। कि करण, तू मेरी कोख का जाया, मेरा अपना बेटा है। अच्छा ठीक है, मान ली तेरी बात, लेकिन तू उस दिन क्यों ना बनी मां जब गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे, अरे सूत पुत्र कहकर पूरी सभा में मेरा अपमान किया गया, मुझसे परिचय मांगा गया। जिस समय परीक्षा हो रही थी उस समय अगर तू ये परिचय देती महारानी कुंती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। आज महाबली कर्ण के सामने खड़ी हुई है, कैसे धिक्कारते हैं, क्या लिखा भला। हाँ जी, ये बात और सुन के भारी चोट लगी, मेरे जी के जी पे क्या बनगी, मतलब कारण बेटे खानी, आज करण की माँ बनगी, आज करण की माँ बनगी। सुन के भारी चोट लगी, मेरे जी के जी पे क्या बनगी, मतलब कारण बेटे खानी, आज करण की माँ बनगी, आज करण की माँ बनगी। बिल्कुल प्यार, बेटे को तने कितना दूध पिलाया, मेरा छाती सजा, बेटे को तने कितना दूध पिलाया, कदम ऊंचू में प्यार कर बस एक यो लाड लटाया, देखे जन्म मारने खातर गंगा बीच बहाया, वो देखे जन्म मारने खातर गंगा बीच बहाया। लिया एक शूद्र ने काढ़ मेरे पे, एक शूद्र ने काढ़ मेरे पे, हर की नरम निखा बनगी, मतलब कारण बेटे खानी, आज करण की माँ बनगी, आज करण की माँ बनगी। बहुत अच्छा, के महारानी कुंती मान जाता मैं तेरी बात, मुझे तो देन जो है एक सूत्र की है और सूत पुत्र करण ही मेरा नाम रखा गया है। मैं कौनते नहीं बल्कि राधे हूं, ऐसी बात नहीं कि आज तक तुझे पता ना हो, लेकिन आज ये भेद खोलने का समय क्यों आया, किस तरह दूसरी बात में लिखा और क्या बताया भला। अपने से ज्यादा जग में जीवन बेकार नहीं देखा, किस तरिया माँ कहूँ तुझे मने माँ का प्यार नहीं देखा, ओ किस तरिया माँ कहूँ तने मने माँ का प्यार नहीं देखा, अरे जहाँ गया अपमान हुआ आदर सत्कार नहीं देखा, नीचे को रही नजर निगाह के संसार नहीं देखा, नीचे को रही नजर निकाला के संसार नहीं देखा। भाई जिस इज्जत का मोल तोलना
जिस इज्जत का मोल तोलना वह इज्जत बेहाबनगी मतलब कारण बेटे खाने आज करण की माँ बनगी आज करण की माँ बनगी कहती है महारानी कुंती के बेटा करण यह दुर्योधन अधर्म के पक्ष में है और दुर्योधन का साथ छोड़ अपने भाइयों का साथ दे क्योंकि तेरे पांच भाई तेरी ऐसी सेवा करेंगे राजगद्दी पर तुझे बिठाएंगे धर्म अधर्म की लड़ाई में अधर्म को छोड़ धर्म का साथ दे लेकिन सजनों साफ साफ कह दिया कि दुर्योधन का साथ छोड़ने की बात तो दूर महारानी कुंती अगर ये करण जीते जी अपने खाल की जूती बना के दुर्योधन को पहना दे तो भी उसका एहसान नहीं उतर सकता क्योंकि जिस समय तेरे बेटे मुझे अपमान के घाव दे रहे थे उस समय अंग देश का राज मुझे देके उन घावों पर मरहम लगाने का काम दुर्योधन ने किया था मैं दुर्योधन को जीते जी नहीं छोड़ सकता किस तरह कहता है और क्या लिखा बोला तीसरी बात में अरे मां बन के तुड़वा बन आई मेल मेरे बचपन का झूठे या सू काढ़ बना रही पागल याद करने का झूठे या सू काढ़ बना रही करने का तनयो जीवन अंधकार करया वन चंदा करया गगन का मर के भी एहसान मेरे पे ना उतरे दुर्योधन का वो मर के भी एहसान मेरे पे ना उतरे दुर्योधन का अरे मिलके दगा करण वालों की मिलके दगा करण वालों की दरगा में रूह सा बन गई बेटे खानी आज करण की माँ बनगी आज करण की माँ बनगी ओ छोरे ओ राजवीर असली बात पे आई महारानी कुंती क्या कर तू दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता तो तेरे पास पांच बाण हैं वो पांच बाण मुझे दान में दे दे क्योंकि मैंने सुना है तू दानी है महादानी है सजनों करण तुरंत समझ गया यूं कहा कि तने पांच बाण नहीं मांगे ये पांच बाण तने नहीं मांगे सीधे सीधे तने करण की जान मांग ली सजनों किस तरह आखिरी बात में निचोड़ कर दिया क्या लिखा बना अरे इतने दिन के बाद मेरे पे दान मांगने आई है जिन बाणों का गर्भ मुझे वो मेरा बाण मांगने आई है जिन बाणों का गर्भ मुझे वो करण की जान मांगने आई है तेरे बाणों का तो नाम करण की जान मांगने आई है श्री लड्डन सिंह राजबल मेरी लड्डन सिंह राजबल मेरी हटके फेर कचा बन की मतलब करण बेटे खानी आज करण की माँ बन की आज करण की माँ बन की सुन के भारी चोट लगी मेरे जीते जी पे क्या बनगी मतलब कारण बेटे खानी आज करण की माँ बनगी आज करण की